वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन लिमिटलेस इंडियन। सभी भाइयों को नए साल की बहुत बहुत बधाई। जिस भाई ने अपने चैनल को कर रखा सब्सक्राइब, लव यू भाइयों, और आपका नया साल बहुत बढ़िया जाए। और भाई हमारे यहाँ भी पड़ चुकी है स्नो, यार्ड में आ रखा हूँ, गाड़ी की हालत देख लो भाई। आइस जम रखी, आइस भाई साहब, आइस। अब गाड़ी को अपनी को करना हमने वहां पर पार्क। ये है जी अपना नया ट्रक, पुराने ट्रक में थी थोड़ी सी दिक्कत। अगर आपने नोट किया और पिछले व्लॉग में हमारे उस पर इंजन लाइट वगैरह आ रखी थी, उसका काम होना था। तो भाई मीनवाइल हमें यही ट्रक दे दिया पक्का के भाई, अब तू इससे यूज कर अपना, इससे कीड़े लगा। अभी हम इस ट्रेलर को लेके जाने वाले हैं भाई सीधा मॉन्ट्रियल, वहां से उठाएंगे अपना लोड जो लेके जाना हमें US। चलते हैं भाई, करते हैं शुरू अपनी ट्रिप। काम कल ही मैंने कर दिया था भाई, ट्रक और ट्रेलर दोनों को मैंने हुक कर दिया था पहले ही, है ना, लैंडिंग गियर वगैरह उठा दिया था, लाइनें जोड़ दी थी। अब ये है कि भाई इससे थोड़ा सा ये फर्क पड़ जाता है कि अब जैसे अब हम दिन अपना स्टार्ट कर रहे हैं ना, अब अपना दिन हमें बिल्कुल टेंशन फ्री स्टार्ट करना है। थोड़ा सा वॉक अराउंड करना भाई, टायर टूर करने है, चेक स्नो देख रहे हो कितनी पड़ रखी है, पीछे सील चेक कर लूँ एक बारी, ये बहुत जरूरी चीज़ है भाई। सील ना हो ना ट्रेलर पे या ब्रेक हो जाए, बात आ जाती है आपके ऊपर भाई साहब। चलो लेट्स गो। देख लो भाई टिपिकल लड़कों का कमरा बन रखा, ट्रक काफी ज्यादा गंदा हो रखा है क्योंकि मेरे को अभी भी मिला यार, मैंने अपनी प्रॉपर सेटिंग नहीं करी है ना, काफी सारे चेंजेस आएंगे इस ट्रक के अंदर भाई। लग्जरी ट्रक बनाना अभी से हमने ना। ओ भाई बाहर इतनी ज्यादा ठंड है ना, नॉर्मली मैं ठंड नहीं देखता इतनी, बिकॉज वी गो टू टेक्सस, टेक्सस के अंदर गर्मी होती है, 20-25 डिग्री का टेम्परेचर होता है, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा नई चीज है भाई, ठंड लग रही है। ट्रक को करते हैं स्टार्ट और निकलते हैं यार यहाँ से। हाँ जी भाई सब कुछ हो चुका है डन, अब यहाँ से बस निकलने को तैयार। ले भाई धीरे धीरे चलेंगे, एक बारी कर लेंगे ट्रेलर का लॉक चेक, एक बारी बैग ले जाएंगे, ये होती है स्पाइक ब्रेक। लो जी हम ओके बॉयज, अब निकलने को। ले भाई विंटर ठंड में मरेंगे भाई आज, पूरा चढ़ा के यहाँ तक है ना। चलो भाई हो रही है हमारी बेबी लेक्सस, बाय बेब, लव यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, प्रॉब्ली हफ्ते के बाद। लो जी छुट्टियों का टाइम चल रहा है बॉयज, इसलिए ना हर एक बंदा ड्राइव में डल गया ट्रक, हर एक बंदा घर पे रेस्ट मार रहा है, इसलिए सारे के सारे ट्रक ट्रेलर खड़े हैं यहाँ पे। ओ ब्रो बहुत प्यारा स्टार्ट हो रहा है नए साल का। ओ इट इज गुड ब्रो, इट इज गुड, है ना, यू हैव टू मेक द डाला 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 ब्रा डाला। तो हमारे यहाँ पे ना थोड़ी सी सिक्योरिटी कर रखी है टाइट, क्योंकि ट्रेलर वगैरह ट्रक वगैरह हो जाते हैं चोरी, तो इसी चक्कर में ना, अगर आपको याद हो ना मैं पहले इस कंपनी के साथ काम करता था और ये मेरा ट्रक होता था 2031, मिस यू बेब। ओ ब्रो पहले हमारे आगे वाले भाई ने लाइसेंस दिखा दिया है, इसलिए हमारा थोड़ा सा बचाव हो जाएगा, अब हमें यहाँ पर रुकना नहीं पड़ेगा, नहीं तो इनको लाइसेंस दिखा कर फिर ही गेट खुलता है, राइट। सब ऑलरेडी खुला हुआ, तो मौके पे चौका ब्रो, तो यहाँ से लेंगे राइट। भाई साहब स्नो कितनी हो रखी है ना रोड पे, पूरी आग लगा रखी है भाई, स्नो साफ करने वाला घूम रहा है हमारा भाई। ये भाई रात तक कुछ नहीं करते, कोई एक्शन में नहीं आते, जब सुबह हो जाती है देन दे स्टार्ट टू क्लीन एवरीथिंग राइट, देन दे ट्राई टू। अब ये जा भाई जा, निकल सकते हैं हम, निकल सकते हैं, वो बंदा सफाई नहीं कर रहा, अब देखना ना ये पूरा वो दिखाएगा कि मैं जाऊंगा पहले, मैं हूं सफाई कर्मचारी सरकारी बंदा, तुम चुपचाप साइड पे खड़े हो जाओ और फिल्म देखो। कोई दिक्कत नहीं भाई, आप पहले सफाई करो, कोई चक्कर नहीं है मेरे भाई, कोई चक्कर नहीं है, इनका भाई ठेका होता है एवरी ईयर, जैसे स्नो डलती है दे कम ऑन द रोड,
एंड उसने हमें इशारा कर दिया कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी और मार जाएंगे हम यहाँ से राइट। सामने से डॉज चार्जर आ रही है भाई उड़ती हुई, मैं नहीं चाहता कि मैं उसे उड़ा दूं। सो इसके बाद हम ले लेंगे यहाँ से राइट। चल भाई निकल लिए भाई गेड़े पे, मेन रोड साफ हो जाती है यहाँ पे भाई, ये फायदा है टोरंटो में रहने का। हम बिल्कुल डाउनटाउन टोरंटो के पास और यहाँ पर काफी कम है यार स्नो, है ना, साइड्स भी आपको दिख रही है पर रोड्स काफी अच्छे से साफ कर रखे हैं। ये जो है ना विंडशील्ड वॉशर जो फ्लूइड है ना मेरा यार, इसने मुझे परेशान कर देना आज भाई, रुकना पड़ना कहीं ना कहीं। पर वो सामने क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है सामने, तो यहाँ पर सॉकर के मैच होते हैं, यहाँ पर स्टेडियम है और ये है जी टोरंटो का शानदार एरिया। अगर आप कनाडा आते हो कल को, है ना, तो आप मेरी तरह चलो ट्रक पे तो नहीं आओगे, गाड़ी पे आओगे घूमने, तो सबसे पहले आप यहीं घूमने आओगे। ये है जी काफ़ी सारे हमारे भाइयों का सपना, आज आपको सपने के दर्शन करा रहे हैं भाई। मेरा भी सपना था जब मैं इंडिया में होता था राइट, कि यार एक दिन आएगा भाई टोरंटो जाएंगे। लो जी मेरे को उम्मीद नहीं थी कि क्लियर होगा, है ना, कि कई बार होता है क्लाउड्स काफ़ी नीचे आ रखे होते हैं और ये सीएन टावर दिखता नहीं है। जब आप इस जगह पे आ जाते हो, काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स हैं यार डाउनटाउन के अंदर ना, इसे डाउनटाउन कहते हैं, डाउनटाउन टोरंटो। और ये रहा जी आपका सीएन टावर इस साइड से, रॉजर्स सेंटर, यहाँ पर ब्लू जेस की गेम्स होती हैं। ये भाई हमें इंडिकेटर दे रहा है कि भाई मुझे आ लेने दे, आ जा भाई कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ फ्रंट पे भी जा सकते हैं ट्रक लेके, ये है जी सीएन टावर। हम निकल रहे हैं यहाँ से, बिल्डिंग्स देख लो भाई। व्यू ही अलग है यहाँ पे, गाड़ियों वालों को रास्ता देना पड़ेगा भाई। रोक लिया भाई ट्रक, मुझसे नहीं चल रहा अभी, कॉफी की तोड़ लग रही है, कॉफी पीऊंगा। ये भाई कर रहा है स्नो साफ, करो चेक, ये ट्रक स्टॉप भरा होता है, आज छुट्टी की वजह से सब कुछ खाली पड़ा है। चलते हैं भाई गर्मा गर्म उठाते हैं कॉफी, कॉफी के बिना फिर यार सुबह जैसे चाय के बिना कुछ नहीं होता, तो वैसे ही भाई सुबह सुबह कॉफी के बिना मेरे से नहीं चला जाता। ट्रक को कर दिया पार्क और भाई साहब स्नो ने कर रखा सबका बुरा हाल। चलते हैं अब अपना भाई, यहाँ पे अपने पास दो ऑप्शन होते हैं ऑन रूट पे, सारे भाई खड़े हैं अपने यहाँ पे, और देख लो इतनी ठंड हो रही है भाई, तुम्हारा जैकेट पहनना भूल गया, चलो कोई बात नहीं पास तक ही जाना, पूरी ठंड हो रही है भाई। स्टारबक चले क्या ऑन रूट, एम हॉटन के स्टारबक अक्कड़ वक्कड़ बम्बे को कर ले। तेरी स्टारबक से ले लेते हैं यार, भीड़ कम मिलेगी, वहाँ जाएंगे वहाँ पे टिम हॉटन्स पे हमेशा लाइन ही होती है, यहाँ से एक स्मॉल कॉफ़ी उठा लेते चुपचाप। और भाई कैंडा के रट्टे तुम्हें पता ही है, और मास्क पहनना पड़ेगा, मास्क कहाँ मेरा, इनका मेन्यू यहाँ पे ले लेते भाई कॉफ़ी है। भाई यहाँ पे कह रहे विंडो हमने बंद कर रखी है सिर्फ ड्राइव थ्रू वालों के लिए, अंदर जाना पड़ेगा भाई, फिर मैं टिम हॉटन नहीं लूँगा, कौन लेगा स्टारबक जब अंदर जाना पड़ गया तो। देख लो भाई साहब अंदर कितनी भीड़ हो रखी है, हर एक स्टॉल में बंदे खड़े, हम तो स्टारबक की लाइन में जाएंगे भाई। सो भाई कॉफ़ी ले आए हैं, कॉफ़ी लाने के बाद अब प्लान ये है कि अगला स्टॉप मारना भाई ट्रक का विंडशील्ड वॉशर है ना जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, इसको फिलअप करना है, कैनेडियन टायर पर रुकेंगे वहाँ से लेंगे इसका विंडशील्ड वॉशर फ्लूड,
और रोटी खाएंगे भाई उसके बाद। अभी कॉफी से काम चला रहे हैं भाई। चाबी कहाँ रख दी यार? एक तो ना ये लेक्सस की चाबी मैं जेब में लेके घूमता रहता हूँ, ट्रक की चाबी मेरी घूम जाती है। ये रही भाई शेर की चाबी ये रही। चल भाई शेर ले चल अब अपनी मंजिल पे, मुझे पहुंचा दे बस जल्दी यार। हाँ जी बॉयज, खाने पीने का टाइम हो चुका भाई, भूख लग गई है। या बराबर, अब यहाँ से हम राइड लेंगे। पहले ट्राई करते हैं कि अपना विंडशील्ड वॉशर फ्लूड उठा लेते हैं कैनेडियन टायर से, उसके बाद चलते हैं रोटी खाने या पहले चल लेते हैं, दोनों में से एक काम होगा भाई। अब यहाँ से अब हम लाइट की वेट कर रहे हैं, राइट लेंगे उड़ते हुए। आ रहे हैं सारे भाई, हमारे को अब ग्रीन लाइन होने वाली है। यहाँ भाई इस साइड पे गाड़ियाँ हैं दो, धीरे धीरे चलेंगे, इनको निकलने देंगे पहले। लो जी ये गाड़ियाँ मुड़ गई, साथ की साथ हम मुड़ जाएंगे। ले भाई चलो जी। नॉर्मली ये होता है कि जब हमें डीजल वगैरह फिल कराना होता है ना, यहाँ पे एक ट्रक स्टॉप भी है राइट, वहाँ पर आप आ सकते हो, बट अभी हमें यहाँ नहीं जाना, हम जाएंगे सीधा सीक्रेट अड्डे, पता तुम्हारे भाई को काफ़ी सारे। अभी एक किंगस्टन ओंटारियो है, अगर आप यहाँ पे रहते हो तो नीचे कमेंट करके बता दो कि यू आर फ्रॉम हेयर। सो अभी हमें रास्ता जो कह रहा है भाई, सीधा सीधा चलो, यहाँ नहीं जाना, सीधा जाएंगे। चुकी है और चलने को तैयार पर तैयार। 500 मीटर में हमें लेफ्ट लेना है, तो अभी ना हमें अपनी लेन चेंज करनी पड़ेगी, इस लेन में आना होगा। इस भाई को रास्ता मैंने दे दिया और ये मुझे रास्ता दे रहा। भाई साहब अच्छे शहरों की निशानी, आप रास्ता मांगो आपको लोग रास्ता दे दे। और जो बंदे टोरंटो जीटीए में रहते हैं उन्हें पता है कि ब्रो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओ मैन, ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं, हमें लेफ्ट लेना होगा यहाँ पर, अगली रोड पर लेफ्ट लेंगे। यहाँ से अब हम ले लेंगे लेफ्ट गाइस, इस लेन में रखेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हो दो लेन का मतलब ये है कि यहाँ से ट्रक जा सकता है। There you go boys, आगे चढ़ा के लगा देंगे अपने ट्रक को। अब चलेगा थोड़ा सा जुगाड़, पीछे वाले भाई हमें दे रहे हैं साइड तो वगैरह, आ जा भाई कोई दिक्कत नहीं है। हम चले बॉयज, अभी हमने ला लिया अपने ट्रक को लेफ्ट लेन में। अब ये है कि इस सर्कल से बड़े तरीके से निकलना पड़ना है। पहले हम जाएंगे इस साइड जितना ज़्यादा जा सकते हैं राइट, क्योंकि जाना हमने सीधा राइट। तो अब यहाँ से आने के बाद उसके बाद इस जगह पे आ जाएंगे, हल्का सा मोड़ कटेगा, उसके बाद इधर चले जाएंगे जितना जा सकते हैं, उसके बाद सीधा आ जाएंगे यहाँ से। अब हम यहाँ से एंटर तो हो गए हैं यहाँ से, पर जाना वापस वहाँ से नहीं हम आ सकते, हमें इसी साइड से आना पड़ेगा राइट। तो उसके लिए हमें अपने ट्रक को ना यहाँ पर लगाना है। प्लान मेरा ये है कि भाई ट्रक को ना ऐसे ले जाकर, नहीं तो ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अभी हम आ जाएंगे इस साइड पे। तो अभी मेरा प्लान नहीं है कि वहां से घुमा के लाएंगे, क्योंकि गाड़ियां हैं आसपास। आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क भाई, पापी पेट है यार, क्या करें भाई, बहुत कुछ करवाता है, बहुत सारे मैन्यूवर्स करवाता है भाई। तो अभी घुमा तो मैं यहाँ से भी सकता हूँ, पर आगे से आते कोई नहीं। सो ये अगर आप देख रहे हो भाई, यहाँ से अब हम यू टर्न मारेंगे अपने ट्रक का, वहाँ से आते हैं यार। देख रहे हो गाड़ी वाले हो ना तुम, अगर जिंदगी जीते हो भाई तुम जिंदगी, हमारे को देख लो तुम। हमने एक जगह पे घुमाना भी है ना ट्रक, तो 100 तरीके के मैन्यूवर्स, 100 तरीके से हमें है ना देखना पड़ता है कि हाँ भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है।
यार हमें तो जगह ही नहीं मिल रही भाई, कहाँ के कहाँ पे आ गए यार, फक मैन। उधर जाना था पीछे भाई 1 किलोमीटर, पर चलो ये पार्किंग लॉट मुझे लग रही है यहाँ से यू बच जाएगा। सो अभी गाइस गेम ये है कि यहाँ से सीधे जाएंगे और यहाँ से लग जाएगा अपना यू टर्न, देख रहे हो। यहाँ पर भाई थंबनेल खींच लेते हैं यार, ये बहुत बढ़िया हो गया काम, अपनी थंबनेल खींच जाएगी अब वीडियो के लिए ना। देख रहे हो भाई साहब ट्रक लगा दिया हमने, हमने वैसे तो यहाँ से यू मार लेना। ये क्या है, ये सारी की सारी स्नो और आइस है जो इन बिल्डिंग इन पार्किंग लॉट्स को क्लियर करके यहाँ पर साइड पे लगा दी इन्होंने। तो अपना प्लान ये है कि भाई इस तरीके से ना, इस तरीके से हमने अपना थंबनेल लेना प्यारा सा। हाँ जी गाइस फाइनली पार्किंग मिल गई और अपने ट्रक को हमने कर दिया पार्क। भाई साहब देख रहे हो ये जितना वाइट वाइट हो रखा ना हमारा ब्लू ट्रक, मस्त सा ट्रक, ये सब है सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट डाला जाता है रोड्स के ऊपर ताकि जितना भी अपना ना स्नो गिर रही है, ताजी गिर रही है, जो भी हो रहा है राइट, पिघलती रहे साथ के साथ जब माइनस में टेम्परेचर है राइट। अब यहाँ पे तो -5 है इस टाइम जहाँ पर मैं हूँ, पर हमने थोड़ा सा ही जाना है, ज़्यादा नहीं जाना, कोई दिक्कत नहीं, भागो। मेरे को लग रहा स्टॉप साइन में मुझे भी रुकना चाहिए 3 सेकेंड तक। ओ भाई साहब गाड़ियों वाले पूरी रुक नहीं रहे हैं बिल्कुल भी भाई, पार कर जा भाग के। और कोई मुझे शीत कर जाए भाई ठंड में। ओह मैन, तो ये पीछे बैग डॉग्स होते हैं जितनी भी है ना बिजनेसेस हैं, उस साइड पे उनका मेन एंट्रेंस है, ये होता है इनका ट्रक वालों के लिए, ट्रक आते हैं बैग लगाते हैं डिलीवरी करके चले जाते हैं, इसीलिए ये बेस्ट जगह थी अपने ट्रक को पार्क करने की। सब जहाँ से हमने खाना पीना खाना है भाई वो उस कोने पे है, तो मैं भाग के ले जाऊँ ट्रक में जाके मिलते हैं भाई, ठंड बहुत लग रही है। हाँ जी भाइयों टेबल लग चुका है और खाना आ चुका है, ऑस्मोस वालों का मेडिटेरियन फूड है भाई। क्या क्या आया भाई, ये अपनी कोक ज़ीरो पानी की बोतल मैंने नीचे से निकाली है, यहाँ पे पड़ी थी, निकाल लेंगे भाई यूटेंसिल्स, थोड़े से हैं नैपकिन्स और नैपकिन्स, ये क्या है आई डोंट नो, ये आई नो पुट दिस हियर, व्हाट एल्स बॉय, देयर यू गो मैन। सो ये है जी हमारा आज का लंच, टाटाना। पहले सब्सक्राइब करो जल्दी 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 जल्दी, टाटाना। चिकन ऑन द रॉक्स, तो ये भाई बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है इनकी, चावल होते हैं, ग्रिल चिकन होता है, उसके साथ ये स्पेशल वाइट सॉस और ये मिर्ची वाली रेड सॉस डाल के गेम तैयार। अब मेरे से नहीं रहा जा रहा भाई, फटाफट मैं अपना लंच खाऊं और यहाँ से निकलूं, अभी अराउंड 2 घंटे की ट्रैवलिंग रहती है हमारी, उसके बीच में हमें अपने ट्रेलर को ड्रॉप भी करना है, लेट्स गेट गोइंग गाइस। हाँ जी बॉयज चक्कर बढ़ गया थोड़ा सा, हमने जहाँ पर डिलीवरी करने जाना ना वहाँ पर हमें चाहिए सेफ्टी वेस्ट, भाई मैंने आपको बताया था ये वाला ट्रक मैंने चेंज किया था राइट, सो अब चेंज किया तो अपनी वाली सेफ्टी वेस्ट मैं अपने ट्रक में भूल गया पुराने वाले में, तो अब आए हैं जी वॉलमार्ट, वॉलमार्ट से जाकर लेते हैं सेफ्टी वेस्ट और भाई उसके बाद चलेंगे डिलीवरी वाली जगह पे, नहीं तो उसके सेफ्टी वेस्ट के बिना उन्होंने हमें एंट्री नहीं करने देना। सो ये जी भाई वैसी वेस्ट सी लेनी है हमने, कहाँ है भाई प्रॉपर वेस्ट, ये जी ये टी शर्ट सी है ना, पर हमें प्रॉपर वेस्ट चाहिए, ये रही ये उठा लेते हैं भाई $13 की। कल मेरा फ्रेंड मुझे दे रहा था ये, कहता भाई वेली बड़ी हुई ले जा उठानी भूल गया उसके घर से चूना, तो चलते हैं भाई इसको पे करते हैं, ये सेल्फ चेकआउट है, इधर 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 चलते हैं।
इसको भी पहन लेते हैं। ये है भाई चग्गा, चग्गे के ऊपर चग्गा भाई। अब ये पहन के हमें जाने दे देंगे भाई अंदर। अब इसके पीछे भी एक कहानी होती है भाई। अब जैसे रात का टाइम है राइट, जैसी कोई लाइट डलेगी ना इस पे तो हाईली रिफ्लेक्टिव वेस्ट है। और भाई ट्रकिंग में ऐसे ऐसे कांड भी हैं या मतलब हुए हैं जिनमें बंदों ने अपनी लाइफ गंवा दी है बिकॉज दूसरा ट्रक वाला उन्हें देख नहीं पाया क्योंकि उन्होंने ये वेस्ट नहीं पहन रखी थी। तो अपनी जगह पे जहाँ पर हमने डिलीवरी करनी है वो भी ठीक है, हम भी ठीक हैं। तो चलते हैं भाई, वो रहा अपना भाई ट्रक। ओह भाई इतनी सूखी ठंड पड़ रही है, अब तो ना स्नो हो गई है बंद। ओह ये तो भाई जो हमारे साथ वाला ट्रक है इसने तो, ये तो लगता है हमें पार्क लगा के चला गया भाई, छुट्टी मनाने गया होगा अपने घर, देख रहे हो क्योंकि इसका ट्रक वैसे ही खड़ा है, स्नो डली हुई है पूरी, ढका पड़ा पूरा स्नो से। और इसकी पार्किंग देख लो तुम, मेरी पार्किंग देख रहे हो भाई मेरे को थोड़ी जल्दी थी, वहाँ निकलते बनो बस फटाफट। हाँ जी भाइयों, सो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अपना दिन हो चुका है फिनिश और इस ट्रक स्टॉप पे हम पहुँच चुके हैं। और भाई अपने ट्रक को यहीं पे आज पार्क करेंगे और आज की रात अपनी यहीं पे कटेगी। तो निकलते हैं भाइयों यहाँ से, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन बने रहे अपने भाई जसप्रीत के साथ, स्टे लिमिटलेस, स्टे इंडियन, टेक केयर।